Well-known coach AN Sharma says the reason India lost the finals of the T20 Women's World Cup was due to poor technical assessment of the Australians. In a special interview with nnis, he said the Aussie coach and management staff had done a proper technical evaluation of our weakness, which helped them tweak their game accordingly. The Indian spinners continued to toss the ball while the Aussies attacked the bowling. If the spinners had bowled on the spot and not tossed it so much, the result may have been different. This was a clear indictment of Coach WV Raman for failing to strategize effectively. Sharma says modern day coaches must know how to study the technical flaws in the opposition. Technical level ye kya hai ki players ko ye pata hona chahiye ki dusri team ke batsman ki kya weakness hai, kya plus point hai, usme kitna left hand kitna right hand bowler batsman khel rahe hain, usko apni strategy uske hisab se banani chahiye. Maan lo उस टीम में ज़्यादा लेफ्टी बैट्समैन है तो हमें एक ऑस दो ऑफ स्पिनर खिलाओ, मीडियम पेसर जो आउट स्विंग करता है इन स्विंग करता है उसको डालो. देखो कोच को अपोनेंट की भी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, अपनी टीम की तो है ही, उसे पता है मेरा बैट्समैन किस लेवल पे क्या है, मेरा बॉलर किस लेवल का है. पर अगर अपोनेंट्स की नॉलेज होगी उसको ज़्यादा डेप्थ होगी तो शायद कोच वो ज़्यादा परफॉर्म कर सकेगा. अभी वर्ल्ड कप वुमेंस के ये T20 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हम वन साइड हारे, क्यों? उनके कोच ने उनको वो प्रैक्टिस कराई जो हमारा वीक पॉइंट था. हमारी लड़कियां जो थी वुमेंस टीम की कुछ दे सिंपली दे वर टॉसिंग अप. उन्होंने पिछले 3-4 दिन सिर्फ बॉल को टॉस अप करा के मारने के. इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ऑस्ट्रेलिया को ये मिला कि दे कुड स्कोर है, मतलब एक ह्यूज स्कोर हमारे अगेंस्ट बना दिया. हमारे कोच को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि हमारी जो लड़कियाँ हैं, आज के पेपर में बड़ा लिखा है कि हम 5 साल के लिए टीम बना रहे हैं, 7 साल, अरे जो आज के हैं उसको तो संभालो, 7 साल बाद किसने देखा है? पहले यू थिंक ऑफ टुडे, किस कितने डेप्थ में हो आप. अगर उस समय शायद हम स्पॉट पे बॉल रख के करते, बॉल को टॉस अप नहीं करते, तो ऑस्ट्रेलिया के फाइनल का रिजल्ट कुछ और हो. कि हाउ टू हैंडल, फर्स्ट थिंग मैन मैनेजमेंट आ गया, हाउ टू हैंडल द टीम. क्योंकि हर टीम में कुछ खुराफाती भी होते हैं जिनको आपने चेक करना है. देखो मैं आपको सबसे पहले इस बात पे आ रहा हूँ जो आपका टीम का बैलेंस बिगाड़ने में रहेंगे. मैं नहीं जानता टेस्ट लेवल पे कितना होता है, पर मैंने सीनियर लेवल पे देखा है. आई बीन टू कोच टू वन ऑफ द सीन जिसमें टेस्ट प्लेयर्स भी थे, रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स भी थे, उनका मैं कोच रहा हूँ. तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कहता हूँ कि कुछ तो प्लेयर्स ऐसे होंगे जो आपको डिसबैलेंस करेंगे ही करेंगे. तो मैन मैनेजमेंट इज़ द फर्स्ट थिंग कि आप उन्हें कैसे चेक करोगे, कौन सा प्यार का तकनीक वो तरीका अपनाओगे या थोड़ा स्ट्रिक्ट रह के. क्योंकि कोच बैलेंस होना चाहिए, इट शुड नॉट बी कि बहुत सॉफ्ट है, सब कुछ उस पर हावी हो जा रहे हैं, और इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं कि अच्छा प्लेयर भी उससे नाराज़ हुआ.